अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे अपनी फैमिली के साथ। तो आज मैं आपको अपना डेली रूटीन बताने जा रही हूँ कि मैं पूरा दिन क्या करती हूँ। उन लोगों को जो कहते हैं कि अरे आप तो चार लोग हैं घर में, क्या करते हो, किस चीज़ में बिजी रहते हो। तो वही, हम लोग हाउस वाइफ्स हैं, हमें घर का सारा काम करना पड़ता है, चाहे हमें हमारे पास हेल्पर है या नहीं है। पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, अपने बच्चे का ख्याल रखना, अपनी फैमिली का ख्याल रखना, तो इन चीज़ों में हम थोड़े बिजी रहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब सुबह का टाइम हो रहा है और मैं बना रही हूँ चाय। और सुबह को तो हमें किसी को इतनी कुछ खास भूख लगती नहीं है, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा चाय, रस या टोस्ट कुछ ले लेते हैं। बच्चों को कॉर्नफ्लेक्स दे देती हूँ सुबह को, या दूध दे देती हूँ, तो उनको फिर थोड़ी देर बाद भूख लगती है। अब तो लॉकडाउन है, बच्चे हस्बैंड सब घर पर ही हैं, अब क्या करना है। वो पूरे दिन ऐसे ही होता है कि बच्चे ज़रा सा बोर भी होते हैं ना, तो उनको बस ये कहते हैं मम्मा भूख लग रही है, कुछ बना दीजिए। तो ऐसा होता है कि पूरा दिन कुछ काम करके गई हूँ और जाके थोड़ा रेस्ट करती हूँ, तो फिर बच्चों को भूख लग जाती है। सुबह सुबह नहीं लगती, बस थोड़ा मूड ही हो गए बच्चे घर पर, क्या करें, कहीं आ जा नहीं सकते हैं। दोबारा से अब पूरा लॉकडाउन होने वाला है। अब मैं आपको आगे मेरी जो वीडियोस आएंगी, तो मैं बच्चों के लिए स्नैक्स भी बताऊंगी आपको, जो हम बना के रख सकते हैं। जैसे उनको भूख लगती है तो इंस्टेंट हम उन्हें बना के देते हैं, क्योंकि अब बाहर से लेना रिस्की है। हम बाहर से, जैसे हम मल्टीप्लेक्स वगैरह या सुपरमार्केट से भी कुछ लेते हैं, तो कुछ भरोसा नहीं है कि बाहर का कैसा है। तो इसलिए ज़्यादातर कुछ चीज़ें ऐसी होंगी, स्नैक्स होंगे। इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बच्चों के लिए बताऊँगी। बिल्कुल, पहले तो घर के काम ही इतने होते हैं कि कुछ भी, मतलब इतना टाइम नहीं मिलता कि हम बार 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 उनको कुछ बना के दें। बच्चे इतना सब कुछ अपना फैला देते हैं, अब मेड भी नहीं आ रही है, क्योंकि पता नहीं हम लोगों ने उनको मना कर दिया अभी आने के लिए, क्योंकि पता नहीं किस किस घर जाके वो काम करेंगी, कहाँ से इन्फेक्शन आएगा। तो बेहतर है कि हम अपने घर में सेफ रहें, अपना काम खुद करें, थोड़े हमारे भी हाथ पैर चलेंगे, वरना बैठे बैठे हम तो मोटे हैं और मोटे हो जाएंगे। तो अब मैं सारा काम घर का खुद ही कर रही हूँ, पहले भी खुद करती थी शादी से पहले, इतनी आदत मम्मी ने डाल रखी है कि हाँ भाई अपना काम खुद करना चाहिए। तो अब ये मैं अपना लंच प्रिपेयर कर रही हूँ, तो मैं चिकन चटनाट बना रही हूँ, जिसके लिए ये मैंने मसाले ले लिए हैं, इनको मैं ड्राई रोस्ट करूँगी। और मैं ये जो रेसिपी है आपको, रेसिपी तो मैं ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी रेसिपी लिख दूंगी मैं, आप चाहें तो वहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर भी थोड़ा सा मैंने फास्ट फॉरवर्ड भी कर दिया है इसमें कुछ सीन, तो आप देख लीजिए, पर आपको फुल रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी इंशाल्लाह। बस हमारा चिकन रेडी हो गया था, हमने लंच कर लिया। फिर उसके बाद मैंने अपना किचन क्लीन करा, बर्तन वगैरह धोए, बच्चे थोड़ी देर के लिए सो गए थे, बस उस टाइम में मैं अपनी एडिटिंग करती हूँ। अब ये शाम हो गई है, 5:30 बज रहे हैं, तो बस मैंने सोचा कि वॉशिंग मशीन लगा लूँ। मैं रोज़ के कपड़े 3-4 रोज़ धो लेती हूँ, क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा है, कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं, स्मेल आने लगती है, बाहर कपड़े सूखते नहीं हैं। तो मैं पूरा दिन घर ना फैला फैला रहे, तो शाम के टाइम में मशीन लगा देती हूँ, ताकि स्टैंड में अंदर रख सकूँ कपड़े धोने के लिए। और ये देखिए, मैंने सर्फ का बॉक्स खुद ही मैंने DIY कराया है, वॉश ड्राई फोल्ड रिपीट। मैं कुछ ना कुछ ऐसे अपना फ्री टाइम में करती रहती हूँ, कोई बॉक्स है उसको वेस्ट नहीं करती हूँ। मैंने इसको सर्फ का बॉक्स बना लिया है, ये किसी प्रोटीन शेक का खाली हुआ था बॉक्स। तो बस शाम का टाइम है, ये मेरी यूटिलिटी है जिसको मैंने बैल्कनी बना लिया है, कुछ प्लांट्स रख लिए हैं, मुझे बहुत शौक है प्लांट्स का, तो बस इसको मैं यहाँ से थोड़ा घर में प्लांट्स वगैरह रखती हूँ, थोड़ा क्लीन रहता है, अच्छा रहता है, दिल लगता है घर के अंदर अगर प्लांट्स हों, फ्रेशनेस रहती है। तो बस पूरा दिन ये सब करने के बाद शाम की चाय वाय पी, हम लोगों ने नमाज़ वगैरह पढ़ी, हस्बैंड वगैरह हम लोग सब घर में ही पढ़ रहे हैं, बाहर तो जा नहीं सकते हैं, मस्जिद बंद है। बस रात को हमने डिनर कर लिया 8 बजे करीब,
बस बच्चों के लिए मैंने ये मैंगो शेक बना दिया है। रात को बच्चे दिल कर रहा था उनका, रात हो चुकी है, देखिए पूरा दिन कैसे निकल जाता है, काम में पता ही नहीं लगता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसलिए बस अपना खूब सारा ख्याल रखिए। अगर आप सही हैं तो आपका घर सही है, और बस अब है टाइम सोने का, तो बस अल्लाह हाफिज़।